हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी कुकिंग रेसिपी। आज हम बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में मैंने रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है। एक कड़छी मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है इसके अंदर। दो बड़े प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसे हम हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्का ब्राउन होने तक हम इसी तरह से कड़छी को चलाते रहेंगे। हम गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो रखा हुआ है। देखिए हल्का सा इसका प्याज का कलर चेंज होने लग गया है। इससे ज़्यादा हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, उसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही में मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से हिलाएंगे हम। अब गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम टू लो कर लेंगे। देखिए मसाला पक चुका है। मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 0.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 0.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है। सभी को मसालों के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। हल्का सा हम पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले ना जलें। इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए ये फ्रेश आलू हैं, मैं इनके मैंने छिलका नहीं उतारा। और थोड़े से मैंने आधी कटोरी मटर लिए हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आलू को मैंने धोकर काट लिया है। इसका देखिए छिलका नहीं उतारना। और ये आलू नए आलू हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं बनकर। एक बार आप इस तरह से बनाकर देखिए, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। सब्ज़ी को मैंने मिक्स कर दिया है, साथ ही मैंने 1.5 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। आप चाहे तो पानी थोड़ा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए, लेकिन मैं यहाँ आज थोड़ी सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ। अब साथ ही में मैंने डाल दिया इसके अंदर धनिया। धनिया मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। इस तरह से हम धनिया डालेंगे तो सब्ज़ी का फ्लेवर बाद में बहुत ही ज़्यादा, एक तो खुशबू आएगी, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है सब्ज़ी के ऊपर। देखिए सब्ज़ी अब हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने 2 सीटियाँ लगवाई हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे एक बाउल में। देखिए सारी सब्ज़ी मैंने बाउल में डाल दी है। देखिए मैंने तो थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही चाहिए थी। तो आप चाहे तो थोड़ा कम पानी भी डालकर बना सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है देखिए। और सिंपल मसालों से मैंने ये बनाई है आज। ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया और डाल दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।